विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। भारत में कोविड 19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 16,522। 24 घंटे में कोरोना के 2,541 नए मामले आए सामने। कोरोना से 30 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जुलाई में इस मामले पर सर्वोच्च अदालत कर सकती है विचार। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। लाउडस्पीकर विवाद सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे नहीं हुए शामिल। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी शामिल होने से किया इनकार। सांसद नवनीत राणा ने FIR रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। सीएम ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कही थी बात। रविवार को मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने राणा दंपत्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। हार्दिक पटेल और बीजेपी नेतृत्व के बीच बातचीत का दौर जारी। दिल्ली में हार्दिक ने बीजेपी नेता से की मुलाकात। दुनिया भर में सेना पर खर्च बढ़ा, पहली बार $2 ट्रिलियन का आंकड़ा पार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया आंकड़े। अमेरिका, चीन और भारत रक्षा खर्च में टॉप 3 देशों में शामिल।